जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वेव है एक ई कॉमर्स की पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा फोर्स तैयार हो रही है। तो फोकस्ड ज़्यादा क्वांटिटी पे लगता है, तो व्हाट वी नीड इज़ टू मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी। इसी वजह से एनेबलर्स ने अपने क्राइटेरियाज को अपडेट किए हैं कि वो लोग ही आएँ जो इसमें सीरियस हैं, बहुत सारे वैल्यूएशन क्राइटेरियाज सेट किए, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया कि जो लोग इसमें आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी ले सके, ना कि एक हाइप का शिकार होकर। इसी बेसिस पे अब हम लोग इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एनेबलर सर्टिफिकेट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। एनेबलर सर्टिफिकेट्स का मकसद क्या होगा कि ये वो लोग हैं जो कि एक प्रॉपर सर्टिफाइड होंगे एनेबलर्स की तरफ से, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग्स लें, एनेबलर्स की सेशंस लें और कहें जी हमें सर्टिफिकेट दे दें। बिकॉज वी आर नॉट अ टिपिकल इंस्टीट्यूट जो कि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू कर दे बिकॉज यू हैव टेकन ट्रेनिंग। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो वी विल बी मेकिंग श्योर कि हम आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें। आपको ये टेस्ट ऑनलाइन दिए जाएंगे जिसमें वही एनेबलर्स के स्टूडेंट्स कर देंगे जो कि एनेबलर्स के बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं, वीएस के, प्राइवेट लेबल के, होलसेल के और जो भी आज तक के स्टूडेंट रहे हैं, उनको ये एबिलिटी दी जाएगी कि वो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली जानते तो है, अब उसको पास भी करें एक असेसमेंट के थ्रू। और वो असेसमेंट इस तरह से होगी कि आपको 100 अगर क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन ज्यादा पास करने होंगे। अगर तो आप इसको किसी वजह से पास नहीं कर पाए तो आपको 3 मंथ्स बाद एक अनदर अटैम्प दी जाएगी जिससे आप उसको दोबारा से ट्राई कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि अगर मैं आज नहीं पास कर पाया तो फिर मैं दोबारा से कल फिर आ जाऊँ, एंड ऑल दिस इट वॉन्ट वर्क लाइक दिस। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें ये टैग मिलेगा आपको कि एनेबलर्स के सर्टिफाइड लोग हैं, एक वेबसाइट पे सर्टिफिकेशन आपकी पब्लिश्ड होगी, लोग सर्च कर सकेंगे, एक पोटेंशियल क्लाइंट आपकी असेसमेंट को वैलिडेट कर सकेंगे, ना कि सिर्फ आप कहें जी मैं एनेबलर्स का स्टूडेंट हूँ, सेशन लिए नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन की नहीं है, एक्टिवनेस है नहीं, लॉयल्टी है नहीं, एंगेजमेंट है नहीं, आंसर्स को किए नहीं है, तो आप कहें जी मैं एनेबलर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे काम चाहिए। ऐसा नहीं होगा। वी वॉन्ट यू टू इंश्योर के यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू क्लियर द सर्टिफिकेशन एंड देन वी अलाउ यू टू टेक दीज सर्टिफिकेशन टैग। तो इंशाल्लाह इट इज नाउ लाइव। इस यूआरएल पे जाइए जो कि आप इस पोस्ट के साथ देख रहे होंगे, यू कैन टेक प्रैक्टिकली सर्टिफिकेशन। आई होप नकल कोई नहीं मारेगा, बिकॉज इसका प्रोसेस क्या है कि एक क्वेश्चन अगर आप ठीक आंसर देंगे तो इससे अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। हमेशा से ये रैंडम होंगे। अगर 100 लोग हैं तो 100 डिफरेंट टेस्ट है। ये नहीं है कि आप किसी के साथ बैठे हैं और अगला बंदा आपके साथ बैठ कर वही एक दूसरे की हेल्प करें। ये हमारे पास और मजीद चेक्स इसमें ऐड किए हुए हैं, सो विल मेक श्योर कि एक बंदा इसको प्रॉपरली तरीके से असेस्ड करे और प्रॉपरली तरीके से इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करे। तो गुड लक एंड आई होप टू सी नाउ मोर क्वालिटी फोकस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, सेलर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ना के फोकस्ड ऑन क्वांटिटी ओनली, व्हिच इज नॉट द एम ऑफ एनेबलर्स।